नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होम्योपैथिक के विषय में जानकारी पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के साथ महिलाओं की कमजोरी के लिए होम्योपैथिक औषधि का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं। महिलाओं के शरीर में कमजोरी का आना लाजमी है, दिनों दिन वे कमजोर होते जाती हैं। आजकल हम लोग भोजन के रूप में जो भी अनाज का सेवन कर रहे हैं वो शुद्ध तो मिल नहीं पा रहा है, यहां तक कि आपको दूध भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, मिलावटी युग आ गया है। इस परिस्थिति में हमारे शरीर को अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए औषधि का सहारा लेना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथिक की औषधियों का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं जो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी काफी शक्तिवर्धक का काम करती है। इसमें पहली औषधि है अश्वगंधा क्यू, अश्वगंधा मदर टिंचर। दूसरी औषधि है एवेना साइटाइबा क्यू एवं तीसरी औषधि है एसिड फास क्यू एवं चौथी औषधि है जिंको बाइलोबा एवं पांचवी औषधि है जिनसेन। ये पांच औषधियों को समान मात्रा में मिलाकर एक सीसी में रख लें एवं इसकी 20 बूंद की मात्रा आधे कप ठंडे पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम सेवन करना है। सुबह का डोज आप खाली पेट में ले लें, दोपहर एवं रात्रि में किसी भी समय आप ले सकते हैं। इस औषधि को लेने से आपके शरीर में जितने भी शक्तिवर्धक तत्व का अभाव होगा वे पूरा हो जाएंगे। इस औषधि को लगातार 15 दिनों तक सेवन करना है, उसके बाद आपको बंद कर देना है। 2 से 3 दिनों में ही आपको इस औषधि का लाभ समझ में आ जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य करें, साथ ही साथ अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें, उसी के अनुकूल मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। चलते चलते पुनः आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।